स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों ये न्यूज़ जो है नियोजित शिक्षकों के गाय फोल्डर मामले में होगा केस, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के गाय फोल्डर के मामले में कार्रवाई होगी। निगरानी जो है अन्वेषण ब्यूरो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगा। निगरानी को अब तक 1 लाख फोल्डर नहीं मिले हैं। ब्यूरो ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग द्वारा जिला पदाधिकारियों को निर्देश देने के बाद भी जो है फोल्डर पूरे जमा नहीं किए गए हैं। निगरानी को अब तक जो है 2,01,901 फोल्डर ही मिले हैं, जबकि 3,11,046 नियोजित शिक्षकों के मामले में जांच हो रही है। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो नियोजित शिक्षकों की बहाली जांच कर रहा है। आगे कहा जा रहा है, हालांकि इसकी जो है जाँच की कोई समय सीमा तय नहीं है। निगरानी ने 2015 में से यह जाँच शुरू की। अब तक 1,132 फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए हैं। कुल जो है 419 जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 1426 को आरोपित बनाया गया है। पिछले साल 82,042 जो प्रमाण पत्र विभिन्न विश्वविद्यालय को जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 36,000 जो है 189 प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। 121 मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे कहा जा रहा है, विशेष अंक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं संबंधित विश्वविद्यालय का पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही TET प्रमाण पत्र की जो है जांच की जा रही है। निगरानी ब्यूरो की फर्जी अंक पत्र को लेकर के सबसे अधिक शिकायतें मिली है। जाली अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ों शिक्षक बहाल हुए हैं। इन नियोजित शिक्षकों की बहाली अंक प्रमाण पत्र के आधार पर हुई थी और मुखिया शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अंक पत्रों में काफ़ी जो है हेराफेरी हुई थी। आगे कहा जा रहा है RK महाजन के द्वारा कि नियोजित शिक्षकों के गायब जो फोल्डर है, निगरानी विभाग के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। फोल्डर गायब करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। RK महाजन, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। साथियों जो हमारे चैनल पर दोस्त नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और शिक्षा विभाग से या नियुक्त शिक्षक जो इन बहाली की प्रक्रिया चल रही है, या CET से, या KVS से, या BTET से कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।